बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे सुरमई फिश फ्राई। तो चलिए इस टेस्टी और मज़ेदार सी सुरमई मछली को किस तरह फ्राई करते हैं देख लेते हैं। सुरमई फ़िश फ्राई बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ले ली हूँ। सुरमई मछली है ये एक कांटे की होती है और देखिए इसकी स्किन ऊपर से प्लेन होती है। इसके मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े करवा ली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हम साफ़ करके धो लेंगे। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से धोकर जाली वाले बर्तन में रख दी थी। देखिए इसका सारा पानी अच्छे से निकल गया है। अब इस पर लगाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन ले ली हूँ मैंने, उसमें 1 चम्मच फुल भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते हो। 1 चम्मच है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच तेल ले ली हूँ मैंने। मछली के ऊपर कोटिंग अच्छे से लग जाती है तो 2 चम्मच तेल डाल देना है। 1 नींबू ले ली हूँ, उसका रस डालेंगे हम। फिश के ऊपर कोटिंग के लिए यहाँ पर 1 चम्मच मैंने बेसन यानी चने के आटे को छान कर ली हूँ। इसकी जगह पर आप क्रिस्पी फिश फ्राई करना चाहते हो तो 1 चम्मच चावल का आटा भी ले सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें घोल एकदम स्मूथ तैयार करना है। तो पहले ये मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एक से 2 चम्मच ही हमें पानी डालना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए, ये चम्मच के हिसाब से मैंने 2-3 चम्मच ही पानी डाली हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ। और इस तरह से घोल हमें तैयार करना है ताकि ये घोल जो हमने मसाला तैयार किया है तो मछली के ऊपर आसानी से चिपक जाए। तो चलिए अब मछली पे लगा देते हैं मसाले को। अब ये मसाला मैं हाथों की मदद से लेकर मछलियों के ऊपर लगाऊंगी। तो एक एक मछली के पीस पर इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर देखिए मैंने सुरमई फ़िश ली हूँ, आपके पास जो भी फ़िश हो आप वो ले सकते हो। पहले सभी फिश के एक हिस्से पे लगा लेती हूँ मैं, फिर पलट कर हम लगाएंगे। फिश के एक साइड मैंने मसाला लगा दी हूँ, आप पलट कर भी मसाला लगा देते। इस तरह से मसाला लगाते तो आसानी से फिश के ऊपर कोटिंग हो जाती मसाले की। सभी फिश के अंदर मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दी हूँ। 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम ताकि पूरे मसालों का फ्लेवर फिश के अंदर तक आ जाए, उसके बाद ही इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, फिश के अंदर मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। तो चलिए फिश को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, एक एक फिश के पीस को डालते जाएंगे हम। तो यहाँ पर 5 पीस डाल दी हूँ मैंने। मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करना है। यहाँ पर 4 मिनट हो गए, फिश को हम पलट लेते। तो 2 चम्मच की मदद से इस तरह से मैं एहतियात से पलट दूंगी। गैस की फ्लेम थोड़ी सी धीमी कर दी हूँ मैंने क्योंकि तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसे मैं धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। ये देखिए कोटिंग कितनी अच्छी तरह से मसालों की हो गई है। यहाँ पर दूसरी तरफ से भी फ़िश को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए। चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का सा दबा देंगे हम ताकि जो फ़िश में पानी होता है ना वो निकल जाए और ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी तैयार हो मछली की। तो हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा दबा देना है।
ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर दूसरी तरफ से भी फिश को 3 से 4 मिनट हो गए धीमी आंच पर मैंने फ्राई कर ली हूँ और इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गई है। तो फिश हमारी यहाँ पर फ्राई हो गई, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हुई है, ऊपर से कोटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह से बाकी सारी फिश को हम फ्राई कर लेते हैं। ये फिश भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म फिश को हम डिश आउट कर लेंगे।